तमन्ना तुझे जैसा है सो पाया वो ही। सो हे गाइस, तो कुछ इस तरह की वीडियो इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रही है कि आप भी कुछ इस तरह की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करने चाहते हो तो वीडियो के एंड तक देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलो चलते हैं वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ गूगल को। गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है हैप्पी रोज डे AI फोटो एडिटिंग, जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है DJ फोटो एडिटिंग वाली वेबसाइट पर आना है, देख लेना जिस तरह की वेबसाइट दिखेगी इस पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सर्च करना है आपको यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ हैप्पी रोज डे। यहाँ पर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, कुछ इस तरीके का फोटो दिखेगा आपको इसके नीचे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते रहना है, जैसे मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर देता हूँ, स्क्रॉल करते रहना आपको, करते रहना जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। स्क्रॉल करने के बाद आपको 2 स्टेप दिखती है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, इसको प्रेस करके रखना है, यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ तक कॉपी कर लेना, जैसे मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद आपको नीचे चलना है। जैसे मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, एक बार नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक बार नीचे आना है फिर से। जैसे मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर क्रिएट योर इमेज नाउ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना जो हमने अभी कॉपी किया था, जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर सुमित दिख रहा है, इस नाम पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख लेना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके इस नाम को हटा देता हूँ, यहाँ पर हटाने के बाद मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पर जैसे कोई भी कुछ भी नाम लिख लेना अपने हिसाब से, मैं यहाँ पर नरेंद्र लिख लेता हूँ। लिखने के बाद नीचे नया वाले नाम पर आ जाना है, यहाँ पर किसी का भी नाम लिख लेना अपने अपने हिसाब से आपको। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसी का भी नाम, जैसे यहाँ पर मैं मुस्कान लिख देता हूँ। मुस्कान लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिखने के बाद आपको क्रिएट नाउ पर क्लिक कर देना है। क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारी इमेज बनकर रेडी हो जाएगी। कुछ वेट लगेगा, थोड़ा टाइम वेट कर लेना आपको यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ, करने के बाद हमारी इमेज यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर एक कोई सा भी इमेज को ले लेना है आपको अपने हिसाब से, जैसा भी सही लगे आपको जिस हिसाब से अपने इमेज को ले लेना है। जैसे मैं यहाँ पर इस वाली इमेज को ले लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देना है इमेज के ऊपर जो मस्त लगे आपको। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे 3 डॉट दिखेंगे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक 3 डॉट वाले ऑप्शन पर, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, डाउनलोड होने लग जाएगी। इसके बाद बैक कर लेना है, बैक करने के बाद आपको दूसरा फोटो भी सही लग रहा है तो उस पर क्लिक करके आप उसे भी डाउनलोड कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद इसको भी डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, इसके बाद आपको बैक कर लेना है। ऐसे आपको एक VN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, जैसे मैं यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है मैंने, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसे डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ न्यू प्रोजेक्ट पर, क्लिक करने के बाद आपको वो फोटो को ले लेना है जो भी आपको सही लगे उस वाले फोटो को लेने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फोटो आ जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर ओरिजिनल वाले इस पर क्लिक करना है, 9060 को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको 2 फिंगर की मदद से एक बार इसके पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद 2 फिंगर की मदद से आपको यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। तो सेट करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आना है, इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको यहाँ पर इमेज वाले ऑप्शन में आ जाना है। आने के बाद सही कर देना है इसको, कुछ इस तरीके से करने के बाद आपके अपने हिसाब से कर लेना है। इसे करने के बाद सही कर देना है। सही करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, सही करने के बाद आपको इसकी लेंथ को 15 सेकेंड कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर 15 सेकेंड कर लेता हूँ इसकी लेंथ को, जैसे मैं यहाँ पर लेंथ को 15 सेकेंड कर रहा हूँ, आपको कुछ इस तरीके से कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 15 सेकेंड, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है मेरी, तो मैं इसको कम कर देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ज़्यादा होने के बाद हमको यहाँ पर सेव कर लेना है बस इसको। जैसे मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर सेव करने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से करने के बाद हमारी वीडियो सेव हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो। सेव होने के बाद आपको इसके बाद आपको एक VPN की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको VPN को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, सेव करने के बाद प्ले स्टोर से VPN को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करना है, जैसे कोई सा भी VPN को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैंने ये वाला VPN डाउनलोड कर रखा है तो इसे ओपन कर लेना है।
ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेना है, इसे ओपन होने में टाइम लगता है। कनेक्टिंग पर क्लिक कर देना है। कनेक्टिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसे आपको हटा देना है। हटाने के बाद आपको उसको हटाना है। हटाने के बाद गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद सर्च करना है आपको कैप का थाईलैंड टैबलेट, जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका नेटवर्क सही होगा तो जल्दी हो जाएगा, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। इसके बाद स्क्रॉल करना है, फर्स्ट वाली वेबसाइट है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसके बाद इस पर क्लिक कर देना है, यूज टेम्पलेट इन कैपकट पर। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेना है, आपको कैपकट एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट कर दे हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको एक बार बैक करें तो फिर से यहाँ पर क्लिक कर देना है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन में आ जाएगा, यूज टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ यूज टेम्पलेट पर, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से फोटो ले लेना है आपको। उस वीडियो बनाई थी वो उस वीडियो को लेना है, सॉरी आपको वीडियो को ले लेना है। जैसे यहाँ पर वीडियो को लेने के बाद परव्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर परव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको वीडियो एंड में क्लिक करके दिखाऊंगा, उससे पहले आपको इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, विदाउट वाटरमार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ से वीडियो सेव होने लग जाएगी। इसके बाद हमारी वीडियो सेव हो रही, जब तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर टाइम लेके मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ इसको, देख सकते हो। मैं आपको एंड में दिखाता हूँ वीडियो को सेव होने के एंड में, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर हमारी कुछ इस तरीके से सेव हो चुकी है। यहाँ पर सेव होने के बाद आपको एक बार बैक कर देना है, जैसे मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको बैक कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ, एक बार आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन में आना, नीचे न्यू प्रोजेक्ट में आना है। न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद अभी हमने वो वीडियो बनाई थी उसको ले लेना है। जैसे लेने के बाद आपको यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर कॉर्नर में क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको साउंड को म्यूट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर म्यूट कर देता हूँ, म्यूट करने के बाद ऐड ऑडियो पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस साउंड की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे यूज़ कर देना है, यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से ऐड करने के बाद हमारे यहाँ पर साउंड ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हो चुका है ऐड, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो सेव करने के लिए ऊपर कॉर्नर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, ऐसे हमारी वीडियो सेव होने लग जाएगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।